हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आकाश, जैसा कि आप सब जान ही रहे हो। ये देखो यार, कितना मस्त सीन है यार। यही सब दिखाने के लिए यार मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ आप लोग से ये सब वीडियो शेयर करने के लिए। देखो कितना मस्त वेदर हुआ है। तो यार देखो, यही सब सीन दिखाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। ये सब देखो जो है, ये एडवेंचर चीज़ है। इतनी मस्त मस्त जगह देखो यार, दिल खुश हो जाता है। ऐसे दिन भर का टेंशन, जॉब का टेंशन, पढ़ाई का टेंशन, ये सब का टेंशन जो रहता है ना, ये सब सीन देखने के बाद अपने आप ऑटोमेटिक सब हट जाएगा। मैं बहुत दिन से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेरे बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते हो, तो मैं सोच रहा था कि एक अपने ऊपर थोड़ा सा वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा छोटा ही वीडियो बनाऊं। तो गाइस, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये रही अपनी GT, जैसा कि आप सब जानते ही हो। मुझे इसको ओन करते हुए लगभग 1.5 साल होने वाला है, और मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोग के साथ अभी तक शेयर करते हुए आ रहा हूँ। क्या क्या चीज़ मैंने इसमें फील किया है और क्या क्या परेशानी हुआ है, क्या क्या अच्छा चीज़ है इसमें, सारा चीज़ मैं आपको बताते आया हूँ। लेकिन फिर भी आज से मैं ये एक चैलेंज ले रहा हूँ कि मैं 30 डेज तक कंटिन्यू अपने मोटो व्लॉगिंग और राइडिंग स्किल्स और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस प्लीज़ चैनल में बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने मोटो व्लॉगिंग या मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो भाई। ऐसे शेयर करोगे, थोड़ा सपोर्ट करोगे तो अपनी कम्युनिटी काफ़ी अच्छी बड़ी हो जाएगी। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे कि मैंने मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट क्यों की है। तो गाइस देखो, ये सब जो है ना, एडवेंचर है, ये अपना जगह जगह पे जाना, नई चीज़ें को एक्सप्लोर करना, ये सब में जो थ्रिल आता है ना यार, मज़ा आता है, जो ये सब चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए ये देखो, ये मेरा मेन मेजर रीज़न है। और अपनी कम्युनिटी यार बड़ी रहेगी। अगर मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम हुई तो यार आप लोग हमेशा सपोर्ट में रहोगे, इसलिए, क्योंकि मोटो व्लॉगिंग करने से यार देखो, सबसे पहले तो काफ़ी अच्छे अच्छे कनेक्शंस बनते हैं। जैसे कि गौ माता दौड़ा रही है मेरे को यार देखो, ये सब चीज जो है ना, यही सब चीज मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब बात करें नेक्स्ट, क्या क्या गियर्स यूज़ करने चाहिए, गियर्स का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, आप बिना गियर्स के अगर आप बाइक चला रहे हो या, तो सारा चीज़ की जानकारी मैं आपको अपने वीडियो में देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना कि आपको मेंटेनेंस कैसे करना है, DIY, डू इट योर सेल्फ। DIY का फुल फॉर्म होता है, मतलब ऐसा मेंटेनेंस जो आप खुद कर सकते हो, आपको सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे कर सकते हो। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ कि शेयर करोगे यार, सपोर्ट करोगे, तभी तुम्हारा भाई आगे बढ़ पाएगा, तभी आपके पास अच्छा अच्छा कंटेंट मिल पाएगा। तो चलो यार घर चलते हैं, अब बहुत देर से वीडियो बना रहा हूँ, बहुत देर से घूम रहा, इतना धूप में टैनिंग हो जाएगा मेरे को तो गाइस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और सपोर्ट करो। गाइज मैं 30 दिन का चैलेंज ले रहा हूँ आज से कि मैं आपको रेगुलर एक वीडियो अपलोड करूँगा, रेगुलर एक नए टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करना गाइज। गौ माता दौड़ाएगी फिर से। भागो भागो, विली करना, ट्राई करना है भाई, मेरे को विली करना नहीं आता। 2-3 बार ट्राई किया था लेकिन उठती ही नहीं है साला। मुझसे कुछ ट्रिक बताओ यार कि कैसे उठेगी। और प्लीज़ यार कमेंट करो। देखो मैं एक चीज़ बोलना भूल गया कि आप लोग मेरे वीडियो पे कमेंट करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको कैसा टॉपिक चाहिए। मेरे को वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए आपका कमेंट करना बहुत ज़रूरी है।
आप कमेंट करोगे, मुझे बताओ, सजेशन दो कि आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ, या जहाँ आपको अच्छा नहीं लगा वो चीज़ बताओ, वो चीज़ मैं इम्प्रूव करने का पूरा कोशिश करूँगा गाइस। तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलो भाई, कमेंट करो और कराओ सबसे। सामने वाले से जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा भाई, तब तक मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। रिक्वेस्ट है, अगर मेरे को अपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार।